नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप सबको इंसानी बस्तियाँ दिखाऊंगा, तो ये देखिए इंसानी बस्तियाँ, जहाँ जहाँ देखोगे इंसानी बस्तियाँ, यहाँ इंसान निवास करते हैं। और वो ऊपर आपको एक घर दिखेगा जहाँ मैं रहता हूँ, बट वहाँ मेरे को बिल्कुल इज्जत नहीं दिया जाता, पता नहीं क्यों रोज़ मेरे को बेदखल किया जाता है उस घर से। और वो उधर देखो एक इंसान दिख रहा है, शायद वो गाने सुन रहा है अपने फ़ोन में, पता नहीं इंसान कैसे भाव भी नहीं दे रहे मेरे को। और ये देखिए सबको गाजों को छोप रखा है कागज़ से। और ये देखिए यहाँ पर पता नहीं लंबे लंबे काले पीले हरे गुलाबी जैसे पता नहीं क्या है, मैं खा के देखता हूँ जरा इसको। ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे जुझल जुझल जैसा मच रहा है मुंह में, यहाँ पर मेरे आग जैसी लग गई है, इसको बिल्कुल मत खाना, लगता है ये कुछ होगा इंसानियों का खाने वाला। और यहाँ पर देखिए अनाज ही अनाज है, ये देखिए ये है एक कपड़ा जिससे इंसान अपने आप को ठंड से बचाता है। और देखो जो काला 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 दिख रहा है आपको, ये इंसान अपने आप को इससे बारिश से बचाता है। तो अभी आगे को चलेंगे, आपको इंसानी बस्तियाँ दिखाएंगे और इंसान कैसे सरवाइव करता है ये भी सिखाएंगे। तो चलो भैया 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 तो मेरा ये मैं जड़ी बूटी ले आया था पिछली बार आपके घने जंगलों से, तो इसे वापस वहीं लौटाना है, ठीक है? ओके। अभी हम निकल चुके हैं इंसानी बस्तियों से, आप देखने जा रहे हैं हम उनके खेत खलियान की, अभी वो इंसान क्या बोल रहा है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे पीछे चले, क्योंकि आज शूटिंग का है दूसरा दिन, आज मैंने नहा भी रखा है, कपड़ा भी दूसरे बदल रखे हैं, और मेरे को इंसानी बस्तियों में नहाने का अच्छा अनुभव हुआ। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ चलो। काफ़ी थक चुके हैं और धूप भी बहुत है। अभी हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां इंसान अपने खाने के लिए फसल उगाता है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने चारों ओर दिखाए, और इंसान ने अपने खाने के लिए फसल उगा रखा है। और ये क्या है? ओह, ये तो रागी है जिसे पानी में मड़वा कहते हैं। ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। ये भी कच्चा है और कड़वा है, ये भी पका नहीं, इसको पकने में 2-3 दिन और लगेंगे। अगर आपको रागी चाहिए तो आप इंसानी बस्तियों में कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जाल जैसा क्या है, कब से नज़र जा रही है इसमें। ओह, ये तो भट है। अगर आप कभी लोद आए होंगे तो आपने भटके डुबके खाए होंगे, या आप कभी इंसानी बस्तियों में गए होंगे तो आपने भटकी चुटकानी खाई होगी। मैं तो बहुत थक गया। अब थोड़ी देर बैठ के फिर आपको आगे के सफर में मिलते हैं। आप जो अभी मेरे दाएं साइड देख रहे हैं, इसे लोग भेलू खतूर में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंसान कांस कहते हैं, और इसे डांगर में लगाते हैं। और अभी आगे चलते हैं। अभी हम निकल चुके हैं इंसानी बस्तियों से काफ़ी आगे, और जो आप मेरे आगे देख रहे हैं यह है झटालू कान, जिसे इंसान अपने हथियार बनाने का काम आता है ये। और जो अभी सीधे मेरे ऊपर देख रहे हैं यह है एक फल का पेड़ है जिसे मिहल कहते हैं, इसका सीज़न चले चुका है। और जो आप इधर दिख रहे हैं यह है धान, ये सिमार का धान है, जो भी पकाने इसमें 2-3 दिन और लगेंगे। और यहाँ पर लगता है भरा ने सारा धान सुला दिया है यहाँ पर, और इसे काटने में ज़रा दिक्कत हो सकती है। और ये इंसान का बच्चा ये पोल के पीछे कुछ लगता है हमसे डर रहा है। ए बच्चा ले आजा, आजा आजा, तू ऊपर गाँव का ही है क्या? अच्छा इधर आके डर क्यों रहा है? लगता है 1-2 टन बजाने पड़ेंगे। जरा कैमरामैन वो बंद करो, ये फिर हम फिर देख रहा हमारे पास आ जाएगा। बंद करो कैमरामैन जरा। ओह, ज्यादा हो रहा है। अरे ये कहाँ आ गए हम? ओ भाई, ये कहाँ आ गए? ये क्या है गाइस इधर? ये क्या है? यहाँ पर तो सारे पता नहीं क्या है, चार के लग रही है खुट जाए। वो बेटे लगता है इनके अंदर भी इंसान रहते हैं। वो वहाँ पर पता नहीं गोल गोल जैसा क्या है घुमाने वाला लगता है ये। और ये छोटी छोटी वो जरा एकदम मस्त लग रही है, बट ये इसका आगे का ऐसे पाथर जैसा हो गया ये, इसका हल्का सा वो रखा है उसके आगे, वो लग रखा है एक आँख पता नहीं क्या होगा। और वो देखो ये क्या है, ऐसे वहाँ भी है, बट उसके ऊपर क्या डाल रखा है इन्होंने? उधर तो सब गाजो डालते, गाजों को भीगने से बचाने के लिए वो ऊपर से कपड़ा डालते थे।
धीरे धीरे शाम हो चली है और रोचक बात तो यह है कि यहाँ इंसानों को भी रात में बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। हमारे पास तो फ्लैश लाइट है तब मैं आपको दिख रहा हूँ। और यहाँ एक खौफनाक बात यह है कि अंधेरे में यहाँ आते हैं बाघ, वो आपको चीर फाड़ देंगे, इसलिए संभल के रहे, सावधान रहे। और बाय बाय, मैं भी चलता हूँ इंसानी बस्तियों में सोने, अब आपको मिलते हैं अगले बिहड़ों में, बाय बाय। इधर मेरे को इधर सोने के लिए दिया है, देखो अब मैं जब मैं सोता हूँ यहाँ पर कि मेरे को डर लगता है, इसलिए मैं इधर सोता हूँ।